देखिए सांप के काटने से इस तरह से किया जाता है, बच्चा को सांप बाइट किया है इस उंगली पे, यहाँ पे बाइट किया है, आपको किस तरह से क्या करना है? कुछ नहीं होगा बाबा, कुछ होगा नहीं। अच्छा सुनो ना, तुम्हारे हेलो दोस्तों, आज हम आ चुके हैं। ये कौन कौन गाँव है? सिमोलदान का कुछ टोला है क्या? हाँ, नहीं सिमोलदान बोलिए ना, सिमोलदान। यहाँ पर जैसे कुछ सांप देखा गया यार, और हमें फोन के माध्यम से सूचित किया कि सांप देखें, तो अभी तक सांप हमको नजर नहीं आया। अब देखते हैं कौन सा सांप है और किस तरह का है। तब तक आप हमारे वीडियो बने रहें, क्योंकि खतरा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। चलिए आइए। देखा ले देख रहे हैं दोस्तों किस तरह से ये घर जो है, ये एक बहुत ही गरीब घर का है। जैसे कि किसी तरह ये जो है तिरपाल यानी प्लास्टिक इसको ढक करके यहाँ पे आदमी रहते हैं। घर है नहीं, ये भी एक बहुत ही बड़ा आसियाना ही समझ लीजिए, क्योंकि गरीब का यही आसियाना होता है। और इस घर में एक बहुत ही हाईली वेनमस खतरा सांप जैसे प्रवेश कर चुका है। और अभी जैसे पूरा घर को देख रहे हैं किस तरह से कर दिए हैं पूरा, और यहाँ पे देखा गया है बहुत ही हाईली वेनमस इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा यानी गेहवन के नाम से जो जानते हैं,
वही सांप इसमें घुसा हुआ है। अभी बहुत ही मशक्कत के बाद, पूरा खोजने के बाद जैसे सांप को निकाला गया है, सांप इसका इस बिल का अंदर छिपा हुआ है। तो बने रहे हमारे वीडियो के साथ, देखिए किस तरह से मैं सांप को निकालता हूँ। उससे पहले आप हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और एक लाइक कीजिए। तो बने रहे, देखिए किस तरह से सांप को मैं निकालता हूँ। लेकिन आवाज एखन तक कत नहीं বিরাট রাগ আছে নতুন জীবন तो देखें दोस्तों किस तरह से कितना मशक्कत के बाद ये सांप को निकाला गया। और इस छोटा सा झपड़े में यही आसियाना है, इस आसियाने में देख रहे हैं आप इतने सारे परिवार ये लोग रहते हैं। और इस परिवार के बीच जैसे ये सांप भी कई दिनों से कुंडली मार के बैठा हुआ है अपने भोजन के तलाश में। और देखिए किस तरह से ये नाग बहुत ही खतरा, बहुत ही डेंजरस। अभी तो बुलाया आपको कितना देर में? कितना अभी? डेढ़ दो घंटा हुआ। हाँ, डेढ़ दो घंटा लगेगा। और नहीं, डेढ़ दो घंटा नहीं, करीब तीन घंटा हो गया। देखिए दोस्तों सामने थोड़ा लाए, सामने आइए। देखिए यहाँ पे जैसे अभी मैंने जिस तरह से सांप को मैंने रेस्क्यू किया, रेस्क्यू करने के बाद अभी तक हमको पता नहीं था। देखिए अभी जिस तरह रेस्क्यू करने के बाद ये लोग बोल रहा है यहाँ पे एक ये सांप जो है बाइट किया हुआ है। और देखिए ये जो लड़का है इसको बाइट किया है। बैठो बाबू, देखिए कहाँ पर बाइट किया। एक मिनट, ये
यहाँ पर यहाँ पर जैसे इसका देख रहे हैं बाइट किया हुआ है उंगली पर, अभी कितना देर में बाइट किया? तीन घंटा हो गया, तीन घंटा, तीन घंटा, तीन घंटा। तो तीन बजे ये आप बाइट किया? हाँ, तीन बजे। और तीन बजे बाइट करने के बाद सांप तब से यहीं पर है? हाँ। तीन बजे के बाद जैसे हमको कॉल अभी आधा घंटा पहले क्यों किया? आप लोग का जानकारी नहीं था? हाँ। यानी हमको मतलब ये लोग का मेरा जानकारी नहीं था कि हम सांप पकड़ते हैं, और यह भैया जो है कि आके नंबर दिया है, या ये नंबर दिया है। अभी तक देखिए तीन घंटा हो चुका है, इससे बच्चा को बाइट किया और उंगली पे बाइट किया है। देखिए बाबू देखिए यहाँ खून भी निकल, खून भी निकल, ठीक है ठीक है। तो देखिए ये सांप जैसे इस बच्चे को बाइट कर चुका है, और कितने विश्वास पर ही लोग हैं अभी भी। देखिए जैसे कि आप लोग इसको क्या किए हैं, दवा कहाँ पर दिए? गांव में दवा दिया, यानी कलियासोल मतलब झाड़ फूक करता है वही दिया, वही दिया ना। तो क्या आप लोग को विश्वास है जो उसका जो झाड़ फूक करता है वो ठीक हो जाएगा? हाँ, 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 उसमें होता है, करता है। देखिए बहुत आप लोग को जो करना है आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। मगर हम एक चीज बोलते हैं, ये सांप अगर काटे, अगर काट लिया तो कोई माई का लाल नहीं है जो कि झाड़ फूक में ठीक कर सकता है। वो ठीक एक ही होगा जो बिना जहर वाला सांप काटता है। अभी हम लोग को जानकारी नहीं है जो कौन सांप में जहर है कौन सांप में नहीं है, मालूम है आप लोग को? नहीं है। जो बिना जहर वाला सांप काटता है वो लेके चला जाता है, वहाँ तो ऐसे उसका जहर होता नहीं है, वो दवा देता है ठीक हो जा रहा है। मगर ये सांप जैसे काट लिया, अभी मैं बोलता हूँ आप लोगों को सतर्क रहिए, ये बच्चा को फौरन अभी लेके चल जाइए PMCH, जस्ट PMCH लेके जाइए। आपका ये बच्चा जो है अभी आप लोग कुछ नहीं कर रहे ना, अभी तो हम क्या बोले, कुछ बोल भी नहीं सकते। देखिए यहाँ का अभी भी इतना अंधविश्वास है। हमारे वीडियो का मकसद, बनाने का मकसद यही है कि इंसानों को सांपों से बचाना और सांपों को इंसानों से बचाना। और ये बच्चा को जैसे बैठे, बाबू इधर बैठे, बाबू इधर बैठे, देखिए बच्चा को बाइट कर चुका है। ये लोग झाड़ फूक में चला गया था, झाड़ फूक करके देखिए बच्चा को अभी लाया हुआ है। और हाथ देखिए, ठीक है, ये जो हाथ जो सूजन देखिए आ गया, फूल रहा ना, ये सूजन भी आ रहा है, हाथ फूला हुआ, ये देखिए सूजन भी आ चुका है। तो अभी भी कितना ही लोग पीछे है, यही कहना चाहता हूँ कि आप लोग तुरंत फौरन आप लोग अगर बच्चा को बचाना है तो गाड़ी मंगवाइए। एक मिनट छोड़िए, अच्छा सुनिए भैया, ए भाई साहब सुनिए, माँ है दर्द तो लगेगा, माँ है दर्द लगेगा, मगर इतना वीडियो हम बनाते हैं किस लिए, यही जानकारी देने के लिए, झाड़ फूक में कोई काम नहीं करेगा भैया, कोई नहीं। इसका सिर्फ एंटी वेनम बना हुआ इंजेक्शन, जाइए लेके जाइए फौरन, इंजेक्शन देगा 100% ठीक होगा। और ये दवा जो है, ये जो सूंघने वाला जो दवा दिया ना, काम नहीं करेगा। ये मैं लिख के देता हूँ, अगर लेके नहीं जाइएगा तो ये लड़का आपका कल यहाँ पे खड़ा नहीं होगा। फोन दे, हम लोग फोन करूँ। दोस्तों देखिए किस तरह से यहाँ पे घटना वाले का है। तो देखिए दोस्तों किस तरह से यहाँ सिलेक्ट बैठे हो चुका है इस बच्चा का, यही सांप काटा है। तो अभी इसको फौरन हम लेके चलते हैं PMCH हॉस्पिटल लेके चलते हैं। इस तरह आप झाड़ फूक तंत्र मंत्र में ना रहे, अगर ये सांप काटे तो फौरन PMCH या डॉक्टर का सहारा ले। तो चलिए मैं पहले सांप को पैक करता हूँ और इस बच्चे को फौरन हॉस्पिटल लेके चलता हूँ। बाबू यहाँ बैठो, यही बच्चा, तो बने रहे हमारे वीडियो के साथ। देखिए इसको फिर अभी लेके चलता हूँ आप नहीं जाइएगा, आप जाइएगा ना भैया, और चेक कर लो। देखिए सांप के काटने से इस तरह से किया जाता है, बच्चा को सांप बाइट किया है इस उंगली पे, यहाँ पे बाइट किया है। आपको किस तरह से क्या करना है? कुछ नहीं, कुछ नहीं होगा बाबू, रन नहीं तरह चिंता करो, कुछ होगा नहीं, कुछ होगा नहीं। ड्राइवर कौन कानून नहीं, कुछ नहीं होगा, ऐसा कीजिए ना, मोटरसाइकिल में चलिए, आप साथ में चलते तो अच्छा, गाड़ी का फोन कर लेता है क्या, शोर है एम्बुलेंस का, आप साथ में चलता ना दादा, अच्छा एम्बुलेंस तो
आप लोग ऐसे ही देरी कर दिए, बहुत ज्यादा लेट कर दिए। आपको पहले हमको ये चीज बोलते ना तो पहले इसको भेजते पहले, उसके बाद सांप को खोया जाता। तो आप लोग हमको ये चीज पहले बोले नहीं, ये डरने वाला चीज नहीं भैया, ऐसा आप लोग बहुत गलती कर दिए, बहुत बड़ा गलती कर दिए। ऐसे रखना, हिलाना जैसे इस तरह के, अगर आपके आसपास अगर बाइट हो और कोई सिलेक्ट सबर ना हो तो पहले इस तरह से हल्का नॉर्मल जो कि नॉर्मल बांधना है और बांध के जैसे हाथ टूटा हुआ इस तरह से आपको रखना है, क्योंकि हाथ को पंपिंग नहीं करना है। पंपिंग करने से ज्यादा जहर जो है ज्यादा तेजी से चढ़ जाता है, और इस तरह से रखना है और फौरन डॉक्टर के पास लेके जाना। तो अभी देखिए इसको मैं डॉक्टर के पास भेज रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों, फिर आज हम आ चुके हैं करीब, यहाँ पहले हम आए थे दो दिन पहले। ये जो बच्चा आपका क्या नाम है? शिवम बावर। शिवम बावर, इनका जो स्नेक बाइट हुआ था दो दिन पहले, और ये जो देख रहे हैं यही आसियाना इस गरीब घर का, जो कि इसी में गुजर बसर करते हैं और आराम से जीते हैं, दो वक्त का रोजी रोटी कमाते हैं, आराम से खाते हैं और इसी में गुजर बसर करते हैं। मगर देखिए इस घर में, जैसे कि नाग यानी गेहवन खरीस एक ही नाम से जाना जाता है, यहाँ प्रवेश कर चुका था और इस बच्चे को जो कि स्नेक बाइट हुआ था, और हम यहाँ के रेस्क्यू भी किए थे, और रेस्क्यू करने के बाद जैसे ये लोग थोड़ा चल गया था फूक झाड़ में, उसके बाद जैसे हम आए रेस्क्यू करने के बाद देखे तो इसका पूरा हाथ सूजन हो चुका था। उसके बाद फिर हम इसको फौरन PMCH लेके गए और सांप को भी सुरक्षित रेस्क्यू कर लिए थे। तो चाची, मैं पूछना चाहता हूँ कि आप लोग अभी जैसे ये ठीक होके आ चुका है, तो आप लोग किस में विश्वास करते हैं, झाड़ फूक में कि हॉस्पिटल में? थोड़ा बताइए वहाँ पे। हॉस्पिटल में, देखिए हॉस्पिटल में पहले तो ये लोग झाड़ फूक में लेके गया था मगर वहाँ काम नहीं हुआ। अब जैसे इसको हम फौरन PMCH लेके हम खुद गए थे, वहाँ पे सही सुरक्षित इलाज होने के बाद देखिए बच्चा वापस आ गया है, और हम आए इनका घर देखने के लिए किस तरह से बच्चा बहुत सुरक्षित है, और ये जो है फूक झाड़ में इस तरह से ना रहे। और देखिए जैसे कि ये PMCH जाके इलाज भी हुआ, बहुत अच्छी तरह से इलाज भी हुआ, और इलाज होने के बाद बच्चा सही सलामत घर लौट आया। यही मैं कहना चाहता हूँ, इस तरह से दिक्कत है तो
तो फूक झाड़ में ना रहें, फौरन हॉस्पिटल जाएं और बच्चों को बचा सकते हैं। तो कैसा लगा मेरा वीडियो, इस वीडियो में आप जरूर एक कमेंट कीजिए, जिस तरह सा वीडियो आपको अच्छा लग रहा था और भी वीडियो इस तरह से बना सकूं, तो कमेंट जरूर से जरूर कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो फिर इसी तरह मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।